अच्छा फेमस हो गए बेटी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ पे जो मेरठ में लगा हुआ है, टेट फेयर लगा हुआ है, एक नौचंदी का मेला लगा हुआ है, तो वहाँ आपको घुमाऊंगी। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि मैं आपको बाहर घुमाने के लिए जा रही हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं अभी टेट फेयर में, और उसके लिए घर के सारे लोग आए हैं, सिर्फ पापा को छोड़ के और साहिल को छोड़ के, क्योंकि साहिल जो है अभी दुकान में है और पापा जी अभी अपने काम पे हैं, और बाकी सारे लोग हैं लेकिन वो आगे आगे हैं, उनको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल मौसम थोड़ा ठीक था, उजाला सा था, मैंने कहा चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं, बाकी आपको वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहना और आपको टेट फेयर दिखाऊंगी मेरठ का टेट फेयर कैसा होता है। तो गाइस देखिए, अभी रास्ते से जा रहे हैं, देवलोक वाले रास्ते पर, और कैसी आवाज आ रही है ऊपर से, अंधेरी रात में अगर कोई आदमी आएगा तो डर ही जाएगा इसकी आवाज सुन के। तो ऐसा लगा चचवा गई, ये तो निकल गया नीचे से, हमें तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ मैं रास्ते का सीन इसलिए कम दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है ना इधर, तो कम दिखाई देगा इस वजह से, तो इसलिए मैं वहीं जाके दिखाऊंगी। अरे दीदी, मेले में जा रहे हो? तुम भी चलो ना, तुम क्यों सो रहे हो? मुझे नींद आ रही है, आप जाओ। गाइस हमको 15 मिनट से ऊपर हो चुका है, पैदल चलते चलते और पैदल ही जा रहे हैं। हमको पैदल चलते चलते इतना, अरे अभी बोलने नहीं देगा। हाँ मेला जा रहे हैं हम, तो अभी ना बोलो, तुम्हें बोलो। अरे तुम बोलो, अरे तुम बोलो, तुम्हें बोल लो। सीनियर की राधा हमको पैदल पैदल लिए जा रही है, वहाँ से ई रिक्शा मिल जाता लेकिन हमारे घर में सबको आ जाता, सब गरीब है, सब पैदल चलने के लिए तैयार है। बेचारे अंश को भी पैदल लेके आ रहे हैं, अंजू की फ्रेंड भी आई है, वो भी पैदल जा रही है, वो भी थक गई, और मैं तो थक ही गई हूँ सच में यार। और इधर ना नहीं थके हो गाइस? ये थका नहीं है अभी, तुम मोटे हो मेरे जैसे हो। और इधर ना काफी सारा पीछे मेट्रो का काम चल रहा है ना सारा, तो इधर ही सारी मिट्टी वगैरह खुदाई वगैरह सब चल रही है, तो उसी रोड पर आ गए और हम, और खड्डा इधर बड़ा खुदा हुआ है ना, कोई गिर गया तो बस। देखो कहाँ जा रहे, दिखाती हूँ, यहाँ पे ये लोग चल रहे हैं नीचे, इतना बीम बन रहा है यहाँ पे ऊपर फ्लाईओवर पे, और अभी तो गए ज्यादा रास्ता हो रहा है, फ्लाईओवर पार कर लिया हमने पैदल चलते चलते, अभी मंडी आ गई है, मंडी के आगे फिर रामलीला तक हमको पैदल जाना है। चल चल के हम आ चुके हैं, अपने आ गए ना, हाँ आ गए। गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे ना अंदर एंट्री के लिए टिकट मिल गया, तो हमको अभी एंट्री की टिकट लेनी पड़ेगी, और ये क्या सीन है अंदर। इस तरह का आपको सीन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और इधर अंदर डायनासोर पार्क है इस तरीके के, तो इसकी एंट्री अलग से है। तो पहले गाइस अंदर आ चुके हैं, और अंदर का सीन कुछ ऐसा लग रहा है, सारे में लाइट ही लाइट लग रही है। अभी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हमको झूला कौन सा झूलना है, तो अभी हमने डिसाइड किया है हमको ये वाला झूला झूलना है, और मम्मी के लिए हम वो वाला डिसाइड कर रहे हैं। तो मम्मी के लिए थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का जो है ना पेट में दर्द हो जाता है इस वजह से, तो अभी फिलहाल हम डिसाइड कर लेते हैं। और अभी टाइम 8 बज चुके हैं, और 8 बजे के बाद शायद थोड़ा टाइम बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, अभी टाइम से पहले स्टार्ट होंगी, क्योंकि इन चीज़ों को मुझे रात में ज़्यादा आता है। बाकी अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, जैसे सोचा था ना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो काफ़ी अच्छा है, घूमने लायक बहुत सही है। मैं क्या है कि वो इस वाले झूले पर झूलेंगे, बट मैं इसमें नहीं झूलूंगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इसमें। फिलहाल राधा तो हो गई तैयार जाने के लिए, आएंगे बिल्कुल बनाएंगे, यार मेरे को तो देख के चक्कर आ रहा है। और अभी अंश परेशान हो रहा है कि अंश को नहीं मिला झूलने के लिए, अभी अंश को मैं नहीं जाऊंगी, बेहोश हो जाओगे ना, मैं भी बेहोश हो जाऊंगी, इसलिए नहीं जा रही हूँ मैं। यार मम्मी को आता है इस पर झूलना, मम्मी ने पहले अपने गांव में बहुत झूला है, तो मेरे को तो देख के चक्कर आ रहा है यार। गाइस ये खड़े हैं यहाँ पे, और ये अंदर जाने वाले हैं झूले में, इसको देखो कितना मजा आ रहा है, बेचारा भी अंश रह गया। Now I'm gonna hit the ground.
आ गए। कैसे 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 तेजी से मम्मी के मम्मी मम्मी कैसा लगा? बढ़िया लगा, मजा आया। गाइस अब हम जा रहे हैं इस वाले में, अभी हम तीनों आके बैठ तो गए हैं और अभी 10 मिनट बाद ही वाला झूला चलेगा, लेकिन 10 मिनट बाद क्या हालत होगी मुझे नहीं पता। मैंने स्टिक मंगा तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा है बैठ के कि मेरे को नहीं पता ये स्टिक कहाँ जाने वाली है और मोबाइल कहाँ जाने वाला है। इन दोनों नहीं पता नहीं कब शिवरात्रि के मेले में कभी झूला था, ये वाला झूला उसको कपलेट वाला झूला बोलते थे। आज बहुत टाइम हम इस वाले झूले का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और 4 या 5 साल बाद हमें ये वाला झूला मिला नहीं है, लेकिन अब मिला जाके 4 या 5 साल बाद जाके अभी हमें झूला मिला है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी वाले में बैठी क्योंकि लास्ट टाइम हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। चल भैया चल गई मोटर, आप ये लड़का उतर गया ताकि गिर ना जाए, अभी चल गया मोटर ने पकड़ी रखता है, उससे स्पीड दे रहा है इसे। अब इसे आगे का मैं नहीं दिखा पाऊंगी। अच्छी आप भी बर्थडे पति हो? हाँ कह रहे हैं मैं भी बर्थडे पति हूँ, फेमस हो गई बेटी। तो गाइस फिलहाल अभी हमने तो झूल लिया, सबने झूल लिया, बस अभी हमारा अंश रह गया, तो अंश को अभी हम खाने जाएंगे ये वाला झूला, तो उसको झूलाते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है ऊपर, तो वो यहाँ से देख रहा है। ठीक है चलो चलो, हाँ हम भी चले, चलो 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 भैया। तो बस हो गया, चलो उतरो, बस हो गया खत्म। अंश कह रहा भी और झूलना है, हो गया खत्म, हो गया चलो बस, और नहीं होता है, 50 रुपए और देने पड़ेंगे। उतरो उतरो उतरो, और नहीं होगा, 50 रुपए लेने पड़ेंगे और। कह रहा और झूलना है, चलो चलो अब नहीं, हो गया हो गया, ध्यान से जाना। ब्लॉगर ब्लॉग बनाते बनाते थक चुके हैं, तब उनको पानी पिलाया जा रहा है, अब ये फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने पानी पी लिया है, ये हमारे फ्यूचर के ब्लॉगर हैं।
पानी चाहिए था, झूला झूलने के बाद मेरे को पानी मिला है। वो इधर खींच रहा है, वो उधर बुला रहे हैं। इधर यहाँ सिर्फ आप झूला झूल सकते, खाने पीने वाले आइटम इतने महंगे हैं ना, इतने में तो आप झूला झूल के वापस निकल जाओगे। इसलिए जब खाने पीने बाहर खा लेना, यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पे एक चुस्की भी 50 रुपए की है। तो कहीं बहुत सारा हमने जो है झूला झूल लिया और काफी सारा उधर घूम भी लिया। खाया हमने कुछ भी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है। तो अभी हम थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या है, तो वो आपको दिखा देती हूँ। और मेरे सब उसमें रोबोटिक बना रखा है। आवना आवाज आ रही है। गरम लग रहा है, गरम लग रहा है, गरम नहीं होगा ना, थोड़ी थोड़ी। बहुत बढ़िया क्वालिटी का पान बनता है, अच्छा पान बनता है, फैमिली सब खाते हैं। पान कोई भी खा सकता है, मेरा मीठा पान। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, अच्छा पान लगा। हमारा बर्फ का ठंडा मीठा जो होता है स्पेशल होता है। ये आप लोगों को बताया VIP पान, ये वैसे नॉर्मल नहीं मिला। आप अगर आपको मेरा पान अच्छा लगा तो आप मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। तो गाइस अभी वीडियो बनने में तो टाइम लगेगा, तो अंकल को मैं अभी ना चैनल सब्सक्राइब करके दे देती हूँ, ताकि जब भी वीडियो आएगी तो अंकल को अपने आप यहाँ पर दिखाई देती है। जल्दी से अपना चैनल के बाद मेरा मुँह लाल हो गया। देखियो, नहीं लाल वाला नहीं था, ये नहीं फायर वाला अलग होता है, लेकिन मीठा पान सिंपल रहता था। मजा था, कैसा लगा मेला घूम? बढ़िया। तो गाइस अभी फिलहाल हमारा जो मेला है पूरा कम्प्लीट हो चुका है, सारी जगह हमने देख ली है, कुछ हमने नहीं देखी है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखी थी। चलो यार, हेलो हेलो कर रहे, रिप्लाई कर दो। हेलो सर, मेरा बना रहे।